जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां लगातार जनता के बीच पहुंचकर चुनावी दावे कर रही हैं। साथ ही तमाम राजनेता एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस बीच अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भारत को बनाना चाहते हैं, हम उस भारत के खिलाफ हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आजादी का। वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने को हैं। इससे पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जीत का दावा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन ही जीतेगा। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस भारत को बनाना चाहती है, हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत सबका है, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र लेने वाले नहीं हैं। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है, ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं, हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जाने दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आजादी का। आगे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है। वो समझते हैं कि हिंदू उन्हें वोट देगा, पर मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनकी बातें सुनेगा। पहले इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं। कल होम मिनिस्टर ने कहा है कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वापस दे सकती है और ना ही कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी वापस दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है, वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेट छूट वापस मिलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का राज वापस लाएंगे। साथ ही स्टेट हुड समेत कई मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर हमला बोला था, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।